तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं बेलूर मठ, थोड़ी देर बाद हम जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा पाए मंदिर के अंदर क्योंकि 12 बजने से पहले मंदिर बंद हो जाती है। तो हम 12:15 या 11:40 के आसपास हम गए थे और इस मंदिर में हमको जाना था। देखो कितनी सुंदर है मंदिर, और देखो मेरे हस्बैंड हमारे वीडियो बना रहे हैं। गर्मी से हम सब परेशान हो गए थे क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी और क्लाउडी क्लाउडी वेदर थी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो और बहुत ही खूबसूरत है ये मंदिर, बहुत ही खूबसूरत, चारों ओर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। अभी हम जा रहे थे प्रसाद खाने के लिए और ये देखो गंगा नदी। तो हम इस लॉन्च से ही दक्षिणेश्वर से या बेलूर मठ आने वाले थे, लेकिन कम टाइम की वजह से हम लोग गाड़ी में ही आ गए थे। ये मंदिर की अंदर की जगह है जहाँ पर बांस लगी हुई है, उस वाली बिल्डिंग में हमको प्रसाद खाने के लिए जाना है। तो उसके सामने ही ब्यूटीफुली वर्क किया है, जो घास की एलिफेंट बनाई है और उसमें से फाउंटेन भी है। तो अभी हम जाएंगे उस वाली बिल्डिंग में जहाँ पर प्रसाद हमें दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत भीड़ थी लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक वे से यहाँ पर प्रसाद हमको दिया गया है, और प्रसाद की जो टेस्ट थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये ना पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट से ही इसको चलाया जाता है, तो यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं लगते हैं प्रसाद खाने के लिए। आप जो भी चाहो अगर आपकी इच्छा से वो आप दे सकते हो। देखो स्टील की ग्लास है, स्टील की थाली, सब बैठ के यहाँ पर हमने प्रसाद खाई है। यहाँ पर प्रसाद में मिलती है खिचड़ी, आलू की सब्ज़ी, चटनी और खीर, बंगाली में जिसको पायस बोलते हैं हम, चावल की खीर। और टेस्ट तो बहुत ही अच्छी थी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर आके खाना खाया, मतलब प्रसाद खाया। अभी तो खिचड़ी दे रहे हैं, इसके बाद आलू की सब्ज़ी देंगे। और चटनी और खीर की टाइम मैंने वो नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मुझे खाने प्रसाद खाने में मैं बिजी थी, इसलिए वो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो अगली बार हम ज़रूर यहाँ पर आएंगे, मेरे हस्बैंड ने बोला जब विंटर में हम तो यहाँ पर आएंगे फिर से। अभी हम घर पे आ गए हैं और पता है मैं मेरे देवर के घर आए हैं। इस घर में मैं पहले भी आई थी तो आपके वो भी मैं दिखाया था, जो उस वाली वीडियो हमने नहीं देखा तो मैं उसको आई बटन या फिर एंट्री में डाल दूंगी। तो फाइनली हम घर पे आ गए हैं और बाहर बहुत ही बारिश लग गई है। मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत सारी चीज नहीं पहनी हूँ, तो ठीक है एक एक करके मैं दिखा दूँ। ठीक है, इयररिंग तो मैंने दिखाई दी है लेकिन वो बहुत भारी है ना, इसलिए मैंने इयररिंग खोल दी है। तो ये वाली है झुमका, ये झुमका टाइप का जो इयररिंग है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है झुमका कर्ण ऑक्सराइज की है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। 150 की मुझे पड़ी थी, मैंने इसको मायके में से लिया था। जब मैंने मायके और ससुराल दोनों जगह पर गई थी ना, तो उस जगह मायके में से लिया है। और ये है बैंगल, इस बैंगल को मैं आपको दिखाई थी जब मैंने मेरे से लिया था, और सूट्स वाली वीडियो भी मैं आई बटन पे डाल दूंगी, अगर जो अभी तक नहीं देखा मैं उसको देख सकते हो। तो ये वाली एक मैंने पहनी है, और ड्रेस तो मैंने नई पहनी है वो तो आपको दिखाई दिया सुबह को। और अभी और ये इधर से लेके इधर तक इसकी डिजाइन है, ये भी नहीं है। और ये इसको ये भी एक टाइप की बैंगल है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे जब हम घर गए थे तब उसको उसने मुझे ये दिया था एज अ गिफ्ट भी बोल सकते हो आप। और ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन से ली थी, आई थिंक ये 600 में मुझे पड़ी थी। तो ये सारी चीज आज मैं नहीं पहनी थी। चलिए आज आपको मेरे देवर से मिला दूँ, ठीक है चले देखो। ये है मेरे देवर, ये चादर क्यों लेके बैठा हुआ है क्योंकि एसी चालू है इसलिए ठंडी लग रही है, बाहर बारिश हो रही है तो, और इसको इन लोगों को तो एसी
देखो बाहर पूरी बारिश लग गई है और दूर से लगता है धुआं धुआं सा लग रहा है। यही बारिश हम आ रहे थे सुबह के टाइम, लेकिन शाम होने को आई है, अभी जाके बारिश लग गई है। तो ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सबको मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।